तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और ये देखिए, एक और मैं बैग काटने जा रही हूँ। ये क्या है ये देखिए, ये आप पहचान नहीं सकते। ये हर एक किसी पर नहीं होता, ये फौजी लोगों पे होता है। फौजी लोगों का होता है ये किट बैग। तो ये मेरे पास बहुत दिन का पड़ा हुआ था, तो इसका भी इस्तेमाल मैं कर दूंगी बैग बनाने के चक्कर में। तो कैसे कि जैसे होली दिवाली आती है तो बहुत सारे सामान आते हैं मजबूत। तो वो ऐसा सामान आता है, कहीं तक चीनी है, चावल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ऐसे बहुत ज़्यादा वजनदार जो सामान होता है तो थैला जो है वो फट जाते हैं। तो उसके चक्कर में मैंने सोचा ये पड़ा पड़ा क्या करेगा, इसका भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसका भी मैं बैग बना दूंगी। देखिए, फिलहाल मतलब कुछ भी हो इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इसको भी मैं, ये गोलाई तो इसकी पहले ही से है। ये देखिए गोलाई, ये नीचे से बना हुआ है, बस मेरे को ऊपर से कट करना है और फिर इसमें टंगने लगा दूंगी। बस देखिए, बना के दिखाऊंगी मैं आपको कैसा बना है। तो पहले काट लेती हैं, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कितना ये नीचे का जो सेप है वो बिल्कुल बना हुआ है, कुछ नहीं करना है। देखना, ये देखिए नीचे का सेप बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। और ये देखिए ऊपर के लिए हो गया, और इसमें बस हैंडल मेरे को जोड़ने हैं और मेरा बैग बन गया तैयार है। मतलब फ्री में हो गया। बस इसको मैं, और इतना मजबूत है भाई ये, कैसे भी मतलब 2-4 साल तो इसका कुछ नहीं बिगड़ना है। बस मेरे को ये ऐसे ये किनारों से फोल्ड कर दूंगी इसको। और चाहे तो इसमें मैं लगाना चाहूँ तो ऐसे ऐसे गंदा हो जाता है, तो बोरी भी लगा सकते हो। नहीं भी लगाऊँ तो वजन ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसमें बोरी बोरी का कुछ इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिंपल सा। तो ऐसे ही बना देंगे इसको दोस्तों। और इसमें बस लगाने हैंडल, और देखिए मेरा बैग तैयार है। और ये देखिए, ये इसको उठाने के लिए होता है नीचे, जैसे किट बैग ना भारी भर जाता है तो उठता नहीं है, तो एक ऐसे कोई उठा लेता है, ऐसे कोई उठा लेगा ऐसे करके। तो इसको मैं समाप्त कर दूंगी, या अंदर की साइड डाल देंगे इसको, कट कर देंगे और बस हैंडल लगाने। और ये मेरे पास बचा है बहुत सारा कपड़ा। ये देखिए किट बैग है, तो इसमें डोरी भी पड़ी हुई है, तो डोरी को भी निकाल देते हैं। डोरी का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं काय में इस्तेमाल करेंगे, या तो मैं बैग में ही इसको यूज कर दूंगी क्योंकि मजबूत हो जाएगी डोरी। देखूंगी कैसे करेंगे। और ये भी मेरे पास इतना बड़ा कपड़ा बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसका भी इस्तेमाल, बैग बन जाएगा। क्योंकि मेरे घर में बैग बिल्कुल खत्म हो गए हैं, छोटा बैग, बड़ा बैग, सारे बैग ही बैग बना के रख दूंगी। और फिलहाल तो ये वाले बैग जो हैं सब्जी वगैरह के लिए बन रहे हैं, और जैसे कई मार्केट वगैरह जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा बैग भी मैं बनाऊंगी, वो मैं दिखाऊंगी बाद में। तो मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा और रखा है और उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसको भी मैं सोच लेती हूँ, आप तब तक लिए वेट करिए। तो ये देखिए, मैंने इसके लिए है पट्टी काट दी है हैंडल के लिए, और मेरे पास बच गया है थोड़ा सा और कपड़ा, तो मैं इसका भी बना दूंगी बैग। तो दोस्तों हम आ गए हैं, अब मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि छत पर मेरा मंदिर जो था बहुत दिनों से ऐसे ही गंदा पड़ा था, तो मैंने बोला आज साफ कर लेते हैं। और हुआ भी क्या कि गांव में हमारे यहाँ फिर कोई ख़त्म हो गया था परिवार, वहीं कुटुम्ब बोलते हैं, तो फिर उसकी वजह से सूतक हो गया था। तो सही कर रहा है मंदिर, देखिए मैंने मंदिर को एकदम साफ कर दिया, बिल्कुल सरफ से आगे धोया है, फिर उसके बाद में अच्छे पानी से धोया है। और ये देखिए आरू कन्हैया जी को बैठाया मैंने, उधर बिठा दिया है तो वो अपने खेला खेल लगे हैं कान्हा जी से। ये जो मूर्ति है ये मैं लेके आई थी उसमें राधा कृष्ण की, उस पर दिवाली पे पहले की जो थी वो खराब हो गई थी, तो मैम अपने मंदिर में ये देखिए आरती भी कर ले रही है। जो मेरे इष्ट देव हैं वो कन्हैया हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कन्हैया जी की मूर्तियाँ मिलेंगी आपको। और लड्डू गोपाल हैं वो रोज़, और शालिग्राम भोले बाबा, ये देखिए कैसे कैसे कर रही है, जय जय कर दे रही है। और जो मैं हम लोग करते रहते हैं ना, मैं करूँगी, बहू करेगी,
तो वही ये कर दी है। हाँ कृष्ण जी, जो कृष्ण कान्हा, तो ये देखिए, कहीं भगवान को इधर कर रही है, कहीं उधर कर रही है, और मैंने अपना मंदिर पूरा सही कर दिया है और रखना बाकी है, क्योंकि थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है। और ये देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं, जरा सी देर मैंने देखा नहीं है तो पूरी व्यवस्था घर की ख़राब कर देती है यार। वह कहीं उधर सामान कर दे, कहीं उधर कर देगी। और ऐसे ने देखिए, दही रखा था जमाया हुआ, तो उसमें सब्जी मिला दी है, और थोड़ी सी बूंदी उधर रखी थी तो कटोरी में वो भी मिला दी है, और कैसे खा रही है उससे, और सारा सामान फैला फैला के रख देती है। और देखो चढ़े कैसे है, स्लिप के ऊपर कुर्सी पे चढ़ी है, कुर्सी के ऊपर से स्लिप पे चढ़ गई है, तो इतना गंदा काम करती है, सारा खराब कर। ये देखिए कैसे, मैं दिखाऊंगी कैसे मिलाया है। ये देखिए उसमें सब्जी मिली है और अपने खावा खावा लगी है, और सुबह बनाए थे पकोड़े वगैरह, तो इसने देखा है कि पकोड़े से खाते हैं वो दही वगैरह, तो वही काम किया है। ये देखिए अभी भी आरू का जो उदम है बंद नहीं हुआ है, अभी भी कुछ ना कुछ करती रहती है। अब ये डब्बा वो ले आई बोतल, तो मिलते हैं दोस्तों इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा, मैं तुमको नई नई वीडियो दिखाती रहूँगी। बाय।